कुछ करो होश से बात राजा जनक, राजन कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना बुला के कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना बुला के इस तरह से हतक करनी हर एक की, हाँ इस तरह से हतक करनी हर एक की, सबको कायर बनाना मुनासिब नहीं, इस तरह से हतक करनी हर एक की, सबको कायर बनाना या मुनासिब क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, हाँ क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ये जुबा पर बिला ना मुनासिब नहीं, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, Thank you.
भ्राता जी, यदि आप आज्ञा दे तो मैं पल भर में इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूं और राजा जनक का घमंड चूर चूर कर दूं। राजा जनक ने जैसे असभ्य शब्दों का प्रयोग किया है, वे कदापि प्रभु कुल की सहने योग्य नहीं है। जरा शांति से काम दो, इस समय तुम्हारा इतने गुस्से में आना ठीक नहीं है। जब रामचंद्र यहाँ मौजूद हैं, तो तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे लक्ष्मण, काम किसे काम लेना चाहिए। इस प्रकार क्रोध करने से ठीक नहीं होगा। जब गुरु जी हमारे साथ हैं, तब तक हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उठो राम, मत देर करो, तुम ही यह धनुष उठाओगे और किसी की ताकत नहीं, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। उठो राम, मत देर करो, इस कार्य को तुम अंजाम करो, दशरथ का नाम रोशन करो। हे रघुकुल भूषण, उठो, अब किस बात की देर है। सब राजा अपना जोर लगा चुके हैं और अब तुम्हारी परीक्षा का समय है, इसलिए उठो और यहाँ पर आए राजाओं को चिल्ला चढ़ाना सिखाओ।
मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊं और धनुष के टुकड़े टुकड़े कर पृथ्वी पर डाल दूं। हे देवादिदेव शंकर, मेरी लाज रखना। सावधान सावधान, दसों दिशाओं के बीच में जाओ। सावधान, आप श्री प्रभु रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यह पृथ्वी जगमगा जाए। इसीलिए Thank you.
Go ahead,